थाना शमशाबाद क्षेत्र के इरादत नगर रोड पर महिलाओं द्वारा जबरन वसूली के मामले की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने 7 महिलाओं को हिरासत में लिया है, जिसको लेकर पुलिस टीम जांच में जुटी है। मामला थाना शमशाबाद के इरादत नगर रोड का है, जहां क्षेत्रीय लोगों ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की कि यहां कुछ महिलाएं गाड़ियों को जबरन रोककर वसूली कर रही हैं, रुपए न देने पर अभद्रता भी की जा रही है। क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके पर पहुंचते ही उन्होंने वसूली कर रही महिलाओं को हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठा लिया। हिरासत में ली गई महिलाओं की संख्या 7 बताई जा रही है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि महिलाओं द्वारा वसूली के मामले की शिकायत उन्हीं के द्वारा दी गई थी। महिलाओं से जब वसूली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी मजबूरी का हवाला दिया। क्षेत्रीय लोगों की माने तो महिलाएं आगरा आसपास की नहीं है। अंदेशा जताया जा रहा है कि महिलाएं बांग्लादेश की निवासी हो सकती हैं, जिसको लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। हम यहाँ से गुजर आगरा के लिए जा रहे थे, तो यहाँ रास्ते में हमारे इसोली से निकलते ही इरादत नगर रोड पर 7 समान उम्र की, जिनकी उम्र रही होगी करीब 18 से 20 साल के आसपास, 7 लड़कियां मिली थी। उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और पैसे ना देने पर वो मेरे साथ में अभद्रता करने लग गई। हमने पूछा आप पैसे किस लिए मांग रही हैं, तो उन्होंने बताया अपनी मजबूरी के लिए। हमने कहा आपकी मजबूरी क्या है, जब योगी मोदी की सरकार में 4-4 बार राशन फ्री दिया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही है, गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, तो आपको मजबूरी किस बात की है? अरे ये आधार कार्ड वगैरह बता रहे हैं, आधार कार्ड की जो लिखावट थी उसमें अंग्रेजी में कुछ था, उनके नाम अंग्रेजी में थे, बाकी सब या गुजराती में है या बांग्लादेशी भाषा में है। दो लड़कियों पर आधार कार्ड पाए गए हैं। अब इसके बारे में मैं अच्छी तरह से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमने उनसे बातचीत की थी, उनको हिंदू धर्म के बारे में, इस इलाके के बारे में या भारत देश के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो लगता है कि ये विदेशी महिलाएं हैं, ये बांग्लादेशी हो सकती हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।